अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप सर्च कंसोल सेटअप कर सकते हैं प्रॉपरली, अपनी वेबसाइट का साइट मैप बना सकते हैं और साइट मैप को सर्च कंसोल के अंदर अच्छे तरीके से इंडेक्स करवा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि वर्डप्रेस डेवलपर हैं या डिज़ाइनर हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को, और उन लोगों के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है जो लोग अपना ब्लॉग चला रहे हैं या फिर उन्हें किसी भी तरह की अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट या बिजनेस वेबसाइट है। तो ये लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी तो उसकी रैंकिंग या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर अपीयरेंस के चांसेस जीरो होंगे, राइट। तो आप लोगों को ये सही तरीके से करनी है और किस तरह से करनी है आज के इस लेक्चर के अंदर मैं सिखाऊंगा। जो वेबसाइट डिज़ाइनर और डिवेलपर्स हैं, इसको डिज़ाइन और डिवेलप करने के बाद ये ऑफर, ये सर्विसेज आप अपने क्लाइंट्स को भी ऑफर कर सकते हैं कि जस्ट $50 या $100 लेंगे हम आपसे और आपकी वेबसाइट हम सर्च कंसोल्स के अंदर अच्छे तरीके से सबमिट कर देंगे साइट मैप बनाने के बाद, राइट। तो ये काफ़ी सर्विस मैंने सेल की है बहुत सारे टाइम के अंदर, तो मैं आप लोगों को भी आज ये सिखाना चाहूँगा। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ये सारा काम करेंगे। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट है हमारे क्लाइंट की। तो सिंपल हम यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं गूगल सर्च कंसोल सिंपल, और यहाँ पे हमारे पास ये पहला लिंक ओपन है, इसको हमने जस्ट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपका जीमेल जो है वो लाजमी लॉगिन होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से ये लॉगिन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना जो डोमेन है वो ऐड करना है। तो हमारा डोमेन है ये वाला, तो सिंपल मैं इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे सिंपल आपने ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना और यहाँ सेकंड ऑप्शन के ऊपर आके अपने डोमेन का यूआरएल ऐड कर देना कुछ इस तरह से और कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा ओनरशिप वेरिफिकेशन के। तो आप लोगों ने पहला ऑप्शन चूज़ नहीं करना, जबकि यहाँ पे ये HTML टैग चूज़ करना है। सिंपल आपने ये टैग कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है रैंक मैथ। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाऊँ किस तरह से रैंक मैथ को इंस्टॉल करके सेटअप करना है, तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं। तो सिंपल रैंक मैथ के अंदर आने के बाद आपने जाना है जनरल सेटिंग्स के अंदर। जनरल सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है वेब मास्टर टूल्स के अंदर, और यहाँ पे अपना सर्च कंसोल का वो टैग ऐड करके सेव चेंजेस कर देना है। सेव चेंज करने के बाद आप लोग वापस आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे वेरीफाई, राइट। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये जो प्रॉपर्टी है ये वेरीफाई हो गई। मैं सिंपल क्लिक करता हूँ गो टू प्रॉपर्टी और यहाँ पे देखें हमारी जो वेबसाइट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब हमने जो दूसरा काम है वो ये करना है कि हमने एक साइट मैप जनरेट करना है और साइट मैप इस सर्च कंसोल के अंदर यहाँ पे ऐड करना है, ताकि इस जो सर्च कंसोल है गूगल सर्च कंसोल, इसको पता चले कि हमारी वेबसाइट का साइट मैप क्या है, उसके अंदर कितने पेजेस हैं और किस किस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड है, ताकि वो इसको अच्छे तरीके से रीड कर पाए और अच्छे तरीके से इंडेक्स कर पाए। तो वो करने के लिए हम वापस जाएंगे और उसके लिए भी आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रैंक मैप के अंदर ही साइट मैप सेटिंग्स का ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास ये रहा साइट मैप का ऑप्शन। सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अगर कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका सर्च साइट मैप अच्छे तरीके से क्रिएट हो चुका है, रैंक मैप ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। आपने सिर्फ सिंपल ये फर्स्ट वाली लाइन जो है ये कॉपी कर लेनी है आगे वाले यूआरएल के, और यहाँ पे आने और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने वेरीफाई कर लेना है सही है। उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखें साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे भी हमारे पास सक्सेस ऑप्शन आ रहा है। समटाइम ये फेल हो जाता है, तो आप दोबारा से वो ऐड करके और दोबारा से सबमिट करेंगे तो वो आपका हो जाएगा, या थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे, रीलोड करेंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेस मैसेज जो है वो शो होना चाहिए। तो ये हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट को सही तरीके से सर्च कंसोल के अंदर ऐड भी कर लिया और साइट मैप जनरेट करके साइट मैप भी ऐड कर दिया। तो इतना सा ही काम है। ये तो हो गई बात गूगल सर्च कंसोल की। अब लेट्स सपोज अदर सर्च इंजन्स हैं, जैसे हमारे पास बिंग हो गया, तो उसके अंदर सेम वेबसाइट किस तरह से ऐड करेंगे। आप जस्ट सर्च कंसोल गूगल सर्च कंसोल में ऐड करेंगे और वापस यहाँ पे चले जाएंगे बिंग वेबमास्टर टूल्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम लिख देते हैं बिंग वेबमास्टर टूल्स,
और यहाँ पे आपने ओपन कर लेना है, और उसी ईमेल से जो ईमेल आपका यहाँ पे लगा हुआ है वही ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज इंपोर्ट कर पाओ, आपको मैन्युअली अगेन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सेम ईमेल नहीं है तो आप इसको मैन्युअली ऐड कर दें, सेम यही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा जो है वो आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये कह रहा है आउटबाउंड लिंक, कॉन्टेक्चुअल लिंक्स, तो हम क्या करते हैं वापस यहाँ पे आके और वापस ये रिमूव करके टूल्स पे आ जाते हैं, तो ये यूआरएल होना चाहिए आपका, मेक श्योर कर लें। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे आना है, ऐड साइट करना है, और यहाँ पे देखिए मैन्युअली करना चाहें तो यहाँ पे मैन्युअली ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने अभी पीछे करके दिखाया, बट यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल जाता है कि सर्च कंसोल से आप डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ इम्पोर्ट, कंटिन्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे हमसे परमिशन मांगेगा हमारे ईमेल की, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, और यहाँ पे मेरी उसके अंदर जितनी भी अलाउ कर देता हूँ, जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे उसकी लिस्ट दिखा देगा, जो भी वेबसाइट मुझे यहाँ पे भी इंपोर्ट करनी है वो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हमें सारी लिस्ट इसने दिखा दी, बट हम यहाँ पे हमारे पास ये प्राइवेट ग्लोब है, इसको सिंपल क्या करेंगे इम्पोर्ट कर देंगे, और इसकी जो भी सेटिंग्स हमने यहाँ की हैं, साइट मैप किया है, ऐड सारा कुछ किया है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिंग के अंदर भी चला जाएगा, और बिंग और याहू जैसे सर्च इंजन के अंदर भी हमारी वेबसाइट शो होने लगेगी। तो ये एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही क्विक सी सर्विस है जो कि आप $50 $100 के अंदर इजीली सेल कर सकते हो, और मैं काफ़ी अरसे से ये सर्विस सेल कर रहा हूँ क्लाइंट्स को जिनको मैं वेबसाइट बना के देता हूँ, राइट। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वेबसाइट बनवाई है क्लाइंट ने और उसकी वेबसाइट सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उसे, क्योंकि हर किसी को वो मैनुअली टाइप करके फाइंड करनी पड़ेगी और उस पर ना विजिटर्स आएंगे, राइट। तो इस तरह से आप सही तरीके से सर्च कंसोल के अंदर अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, साइट मैप जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हुई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर ज़रूर फॉलो कर लें, अगर किसी भी तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।